वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका लेक्चर सीरीज। आज हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट यूनिट फर्स्ट के अंदर जो हम टॉपिक लेने वाले हैं उसका टाइटल है आपका मनी मार्केट और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। सबसे पहले हम समझेंगे कि मनी मार्केट होता क्या है। जब हम बात करते हैं फाइनेंशियल मार्केट के क्लासिफिकेशन की, तो मनी मार्केट को हमने मैच्योरिटी ऑफ क्लेम के बेस पर हमने शॉर्ट टर्म या मनी मार्केट हमने क्लासिफाई किया है। तो यदि हम देखें कि फाइनेंस के अंदर जो मनी मार्केट है उसका पर्पस शॉर्ट टर्म बोरोइंग या शॉर्ट टर्म लैंडिंग के लिए हम यूज़ में लेते हैं, और ये जो शॉर्ट टर्म फंडिंग जो हम करते हैं, जो हमें हेल्प करता है शॉर्ट टर्म में फ़ंड रेज करने के लिए, वो हम किस किस के थ्रू करते हैं वहाँ पे हम देखेंगे कि वहाँ पे आपको मिलेगा देखने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स मिलेंगे, जिसके अंदर आपका मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स जो रहेंगे आपके उनको हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर कि जो हमारा मनी मार्केट है वो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए हमें मनी बोरो करने में हेल्प करता है, कैश नीड को पूरी करने में हेल्प करता है। उसमें हम ये भी देखेंगे कि कॉल मनी, जिसको हम क्या बोलते हैं, नोटिस या टर्म मनी बोलते हैं, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो शुरुआत करते हैं मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट से, और पहला हम लेते हैं कॉल या नोटिस मनी। कॉल या नोटिस मनी जो रहती है, इसके अंदर हम ओवरनाइट लोन की हम बात करते हैं, जो बैंक अपनी लिक्विडिटी के पर्पस से ओनली फॉर वन डे के लिए लेते हैं कॉल मनी, जिसको हम बोलते हैं। यदि बैंक को नीड है फंड की एक साल से कम, जैसे एक दिन के लिए नीड है मान लीजिए, एक दिन से ज़्यादा दिन के लिए नीड है, या फिर 14 दिन से ज़्यादा के लिए नीड है, तो वहाँ पे हमने डिवाइड कर रखा है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कॉल, फिर हम पढ़ते हैं नोटिस, फिर हम पढ़ते हैं टर्म। तो जो आपकी कॉल रहती है वो वन डे के लिए रहती है, जो आपका नोटिस मनी रहती है वो मोर देन वन ईयर के लिए रहती है, मोर देन वन डे के लिए रहती है, और जो आपका कॉल के साथ नोटिस के साथ जो थर्ड आता है वो आती है टर्म मनी। जैसा कि नेम से क्लियर है, उसका टर्म्स जो रहता है 14 डेज़ का रहता है। तो एक बार मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ कि जो कॉल या नोटिस मनी है वो हम जब उसको क्लासिफाइड करते हैं, तो या तो एक दिन के बेस पर हम देखते हैं, या फिर हम एक दिन से ज़्यादा दिन के लिए देखते हैं, और हम 14 डेज से ज़्यादा दिन के लिए देखते हैं। तो इन तीनों में हमें हेल्प करती है कॉल मनी, तो हमें एक दिन के लिए हेल्प करती है। नोटिस मनी जो है हमें मोर देन वन डे के लिए हेल्प करती है, और जो आपका टर्म मनी है वो हमें किसके लिए हेल्प करती है, इसको मनी मार्केट, टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं, वो हमें 14 डेज से ज़्यादा के लिए हेल्प करती है। फिर हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट की, जैसा कि नेम से क्लियर है, इंटर बैंक टर्म डिपॉजिट्स, ठीक है ना, जो हमने पहले भी पढ़ा था कि जो जब एक बैंक दूसरे बैंक से मोर देन 14 डेज के लिए जो मनी लेता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटर बैंक टर्म डिपॉजिट। तो टर्म मनी भी हमें समझ में आई। फिर हम बात करेंगे जो अपना नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है, जो मोस्ट पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल होता क्या है, ट्रेजरी बिल वही शॉर्ट टर्म अप टू वन ईयर का होता है। ये जो आपका ट्रेजरी बिल है, इसको शॉर्ट में टी बिल भी हम बोलते हैं। यदि हम इसके टाइप्स की बात करें, तो इसके जो टाइप्स जो हैं एट प्रेजेंट 91, 182 डेज और 364 डेज़ के हैं, ये वन ईयर तक के होते हैं। और ये जो आपका ट्रेजरी बिल रहता है, मिनिमम इसका अमाउंट 25,000 रुपीज़ का रहता है, और मैक्सिमम अमाउंट की कोई लिमिट नहीं होती है। इंडिया के अंदर जो हम फर्स्ट ट्रेजरी बिल की हम बात करें, तो 1970 में फर्स्ट ट्रेजरी बिल जो है इंडिया के अंदर इशू किया था। तो हमने सेकंड पढ़ा ट्रेजरी बिल जो है वो जो होता है उसके जो 91, 182 और 364 डेज की हमने बात की। अब हम देखेंगे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। जैसा कि नेम से क्लियर है, वो सर्टिफिकेट जिसका काम क्या है, डिपॉजिट्स मनी को इंक्रीज़ करना। ये जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होते हैं कौन इशू करते हैं, इशूड बाय बैंक होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। इसकी जो मैच्योरिटी पीरियड रहता है वो 7 डे से लेके आपका 1 ईयर तक रहता है मैच्योरिटी पीरियड। और अमाउंट डिनोमिनेशन की यदि हम बात करें, तो इसका अमाउंट डिनोमिनेशन 1 लाख के मल्टीपल में होता है, 1 लाख या उसके मल्टीपल, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, इस तरीके से आपका होता है। फिर आता है अपना नेक्स्ट जो इंस्ट्रूमेंट आता है, वो आता है कॉमर्शियल पेपर। ये भी 7 डेज से लेके 1 ईयर तक होता है। कॉमर्शियल पेपर जो इशू करने वाली कंपनी रहती हैं वो हाई रेटेड कंपनी रहती हैं। हाई रेटेड कंपनी का मतलब ये हुआ कि ऐसी कंपनी जो अनसिक्योर नहीं होती। यदि हम इसके अमाउंट डिनोमिनेशन की हम बात करें, तो वो आपका 5 लाख के मल्टीपल में होता है, और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। तो हमने यही देखा इस लेक्चर के अंदर कि जो
मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट हमें शॉर्ट टर्म मनी अप टू 1 ईयर मनी अरेंज करने में हेल्प करते हैं। ये कंपनी जो कंपनीज की लिक्विडिटी जो है शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करते हैं। और कोई भी इंस्ट्रूमेंट हम मनी मार्केट का ले लें वो हमें हेल्प करता है शॉर्ट टर्म मनी को अरेंज करने में। सबसे पॉपुलर यदि मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट की हम बात करें वो आपका ट्रेजरी बिल है। इसको हम सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट भी मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि गवर्नमेंट जो है इसको इशू करती है। इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट भी है जो गवर्नमेंट जो बैंक हैं वो इशू करते हैं। इसके अलावा हम यदि यील्ड की बात करें, एनुअल परसेंटेज की बात करें, कंपाउंडेड इंटरेस्ट की बात करें, ठीक है ना, तो वो आपका जो है कंपाउंड इंटरेस्ट का बेनिफिट यहाँ पे कभी कभी नहीं मिलता। इसके अलावा जो सेकेंडरी हम सेफेस्ट इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो है आपका सेफेस्ट इंस्ट्रूमेंट है। फिर हम देखते हैं आपका फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। जैसे कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ। आपने सुना होगा कि एक कंट्री की करेंसी रहती है, जैसे इंडिया के अंदर US डॉलर है, जैसे मैं आपको बताऊँ कि एक इंडियन रुपीज़ और एक US डॉलर में यदि हम कंपैरिजन करें तो यदि हम US की करेंसी को परचेज़ करना चाहते हैं तो हम 18 मई की बात करें तो 18 मई 2021 को एक डॉलर की जो कीमत थी वो इंडियन करेंसी 73.27 रुपीस की थी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि फॉरेन एक्सचेंज के अंदर जो फॉरेन करेंसी रहती है वो यदि हमें बाय करनी है तो उसके लिए हमें डोमेस्टिक करेंसी की जो यूनिट्स देनी पड़ती हैं तो वो कहलाता है आपका फॉरेन एक्सचेंज कहलाता है। तो फोरेक्स जो स्टैंड है वो किसके लिए है? वो स्टैंड है किसके लिए बोलो? फॉरेन एक्सचेंज के लिए स्टैंड है। इसके अंदर हम जो करेंसी मार्केट की हम बात करते हैं ये वो प्लेस है जहाँ पे हम वन करेंसी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं अनदर करेंसी के अंदर। जैसे इंडिया की कोई करेंसी है उसको हम US डॉलर में कन्वर्ट करें तो वहाँ पे जो हम देखें US को हम सेंट्रल करेंसी भी मानते हैं, क्योंकि सारे जो बिज़नेस हम देखते हैं लार्ज जो ट्रेडिंग मार्केट है उसके अंदर US को ही लिया जाता है, तो इसलिए हमने US का यहाँ पे एग्जांपल लिया है। इसके अलावा अदर मार्केट भी हैं, जैसे आपका US के अलावा UK का है, यूरोप का है, ऑस्ट्रेलिया का है, अदर कंट्रीज़ भी हैं, और जापान, हांगकांग, सिंगापुर, ये सभी जो हैं आपके मार्केट हैं। फिर भी हम ये देखें कि हमारे कंट्री के अंदर जो अदर कंट्री की जो करेंसी हैं, जैसे US डॉलर की हम बात करें तो यूनाइटेड स्टेट का है US डॉलर, ठीक है ना। आप यूरो की बात करें, यूरो जोन जो है वहाँ से लिया गया है। हम येन की बात करें तो जापान है आपका। पाउंड की बात करें तो ग्रेट ब्रिटेन जो है वहाँ से लिया है। हम फ्रेंच की बात करें तो स्विट्ज़रलैंड से लिया है। इसके अलावा हम डॉलर की बात करें तो कनाडा में भी डॉलर चलता है जिसका CAD सिंबल आता है। तो हम यही बात कर रहे हैं कि जो करेंसी है एक कंट्री की करेंसी है उसको अदर कंट्री के साथ जो हम एक्सचेंज करके देख रहे हैं, जो मनी हम देख रहे हैं वो क्या कहलाता है आपका? फॉरेन एक्सचेंज कहलाता है। तो फॉरेन एक्सचेंज को अब हमने समझा, इसको शॉर्ट में हम FX भी बोलते हैं। और जो करेंसी मार्केट के अंदर जो एक मार्केट से दूसरे मार्केट के अंदर हम करेंसी की वैल्यू हम देखते हैं तो उसमें फॉरेन एक्सचेंज हमें क्या करता है? हेल्प करती है। इसके अलावा हम यदि बाइंग सेलिंग एक्सचेंजिंग करते हैं करेंसीज़ का तो उसमें भी हमें हेल्प करता है। कन्वर्जन हम करते हैं करेंसीज़ का उसमें भी हेल्प करता है। और यदि हम देखें कि जो बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट की जो रिपोर्ट थी उसमें ये आया था कि जो ट्रेडिंग इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है वो एवरेज आपका $5.1 ट्रिलियन पर डे है, जो अप्रैल 2016 का डेटा था। तो हम ये देखें कि ईयर बाई ईयर जो ट्रेडिंग हो रही है फॉरेन करेंसी के अंदर एक्सचेंज जो हो रहा है वो क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। और ये जो हो रहा है ये ग्लोबल मार्केट के अंदर फॉरेन एक्सचेंज को बढ़ावा देगा। हम ये देखें कि इकोनॉमी जो है वो आगे और ग्रोथ करेगी। और यदि हम प्रीवियस ईयर्स के अंदर हम देखें तो ये जो करेंसी हैं, जैसे हम देखें तो फ्री फ्लोटिंग करेंसी इंक्लूड US डॉलर, जापान येन, ब्रिटिश पाउंड, ठीक है ना, ये जो फिक्स और ये जो फ्री फ्लोटिंग रहती है इनकी जो प्राइसेस होती है वो क्या होती है? जल्दी से चेंज नहीं होती। और ये जो आपकी हम एग्जांपल लें फ्लोटिंग करेंसी की हम बात करें तो इनकी जो प्राइसेस ज़्यादातर चेंज देखने के लिए मिलती है, जैसे चाइना का युआन है, इंडियन रुपीज़ है। और हम देखें कि इंडिया के अंदर जो इंडियन करेंसी है उसकी प्राइस यदि आप खुद देखें, आपने जब US डॉलर और आप इंडियन करेंसी के बारे में आपने कंपेरिजन यदि आपने पढ़ा होगा तो आपकी नॉलेज में फ़र्स्ट टाइम कितना था? जैसे मैंने आपको भी बताया था कि मई मंथ की हमने बात की थी, वहाँ पे एक US डॉलर है वो 73.27 इंडियन रुपीज़ के बराबर है। तो आप यदि याद करें जब आप
आपने पढ़ा था तो आई थिंक 50+ या 60 के आसपास आपने पढ़ा होगा। तो अब देखो 72 का इसका मतलब है 73 है जो ये प्राइजेस जो है 18 मई 2021 का है। तो कहीं ना कहीं जो प्राइजेस हैं करेंसी के वो क्या होते हैं फॉरेन एक्सचेंज के अंदर आपके फ्लोटिंग रहते हैं, वहाँ पर प्राइजेस चेंज होते रहते हैं। तो इस लेक्चर के अंदर हमने फॉरेन एक्सचेंज को भी देखा और हमने मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट को भी देखा। थैंक्स।